الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى كان الناس أمة واحدة صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سورہ بقرہ کی یہ قرآن پاک کیا ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں روئے زمین کے ہر مسلمان سے خدا کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے، ایک تقاضا کیا گیا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس آیت کا ترجمہ ہے ادخلوا فی السلم کافرا، تم پورے اسلام میں داخل ہو اور تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور آگے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے اشارات قدم پر مت چلو کیونکہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے. مطلب یہ ہے کہ پورے پورے دین پر نہ چلنا یہ شیطان کے نشانے قدم پر چلنا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اس آیت کو اگر ہم اس کے شان نزول کے اندر دیکھیں تو تھوڑی اور واضح ہو جائے گی بات. تو پہلے اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، تاکہ مزید اس آیت کے اندر کا مطالبہ واضح ہو جائے، اور پھر اس مطالبے کو اس وقت کے بدلتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھنا ہے. جو ماضی قریب سے، ابھی سالوں سے نہیں بلکہ چند مہینوں سے کچھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کے اس مطالبے کو دیکھنا اور سمجھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ایک صحابی پہلے یہودی مذہب میں تھے، بعد میں اسلام لے آئے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. جس مذہب میں وہ تھے اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد میں اب چونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ایک نفسیاتی بات ہے، فطری بات ہے کہ انسان ایک چیز کو لمبے وقت تک استعمال نہ کرے، اس سے پرہیز کرے، اس کو ناجائز سمجھ کے پرہیز کرے، تو پھر دھیرے دھیرے اس چیز کی کراہت دل میں بیٹھ جاتی ہے.
वो चीज नागवार लगने लगती है। ये संगीन जानवरों का गोश्त खाना इस्लाम में हराम है। तो एक मुसलमान को तभी तौर से उसे उसकी तबीयत में उसे कराहत पैदा हो जाती है, नागवारी पैदा हो जाती है। अगर दस्तरखान के ऊपर हर किस्मों के सालन रखे हुए हो और कोई एक ऐसा आइटम भी हो एक मुसलमान के सामने जो इस्लाम ने हराम किया है और उसको हराम समझता है, तो उसको उस दस्तरखान पर बैठने में भी घिन आएगी। खाने की बात तो दूर की है, उस दस्तरखान पर बैठना भी नागवार होगा, उसको तबीयत में तकद्दुर होगा। तो चूंकि ये सहाबी इस्लाम लाने के बाद अंगूर का गोश्त खाना हलाल है, तीनों ने अपने दिल में तय किया कि ऊंट का गोश्त तो अब तक मैं ऊंट के गोश्त से बचते आया हूं, क्योंकि पहले उसके यहूदी मजहब में खाना हराम था, तो अब ऊंट के गोश्त को हलाल तो समझूंगा, क्योंकि शरीयत में जो चीज हलाल है उसको हराम समझना भी ये बहुत संगीन चीज है, बहुत खराब चीज है। जिस तरह हराम को हलाल समझना गलत है, उस तरह हलाल को हराम समझना भी गलत है। जिस चीज को खुल्ला शरीयत ने हलाल करार दिया हो तो उसको हराम समझना ये बुरी बात है, या हराम चीज को हलाल समझना ये बुरी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको हलाल तो समझूंगा लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। और शरीयत में ऊंट का गोश्त इस्तेमाल करना कोई जरूरी थोड़ी करार दिया, नहीं भी खाए तो कोई गुनाह नहीं है। पूरी जिंदगी कोई आदमी ऊंट का गोश्त नहीं खाए तो उसके अंदर कोई गुनाह की बात है, कोई गुनाह थोड़ी हो, कोई मुखर थोड़ी हो। तो इन्होंने सोचा मैं उसको हलाल तो समझूंगा लेकिन इसको खाऊंगा नहीं। तो ये ऐसी कोई यहां तक तो कोई बुरी बात नहीं थी, इंसान ना खाए। बहुत सारी चीजें ऐसी है हलाल होने के बावजूद पूरी जिंदगी इंसान नहीं खाता है, कोई बात नहीं थी। लेकिन इसकी बुनियाद यह थी कि चूंकि पहले वाले मजहब के अंदर जो इतने दिन तक उसको हराम समझते हुए उससे बच रहे थे, तो तबीयत के अंदर जो नागवारी और कराहत बैठ गई थी उसी वजह से इन्होंने ये तय किया था कि हलाल तो समझूंगा लेकिन उस कराहत की वजह से तबीयत नहीं होगी खाने की, मैं नहीं खाऊंगा। एक फितरी चीज है। बस इसी ख्याल पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई। ये इस आयत मुबारक का शान नज़ूल है। ये उस साहबी ने सिर्फ यह तय किया था कि हलाल समझूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। अल्लाह पाक ने उनके इस ख्याल को रद्द कर दिया, नहीं चलेगा ये इस्लाम आधा तीतर आधा बटेर वाला इस्लाम है। या यो लदी नाम में काफ मुतालबा आ गया, या यो ईमान वालों, उसमें वो साहबी भी मुखातब है और इसमें सारे ईमान वालों को कहा गया है, दुनिया के मशरिक और मगरिब शमाल और जुनूब के रहने वाले, अल्लाह के नबी से लेकर इस आयत के नाजिल होने के बाद से लेकर कयामत तक आने वाले सारे इंसान, केवल इंसान सारे ईमान वाले, केवल ईमान वालों, ऐसा इस्लाम नहीं चलेगा। मुतालबा है पूरे दीन पर दाखिल होने का, पूरे दीन में दाखिल होने, पूरे दीन के अंदर आने पर ही अल्लाह पाक की तरफ से पूरी कामयाबी मिलेगी अहले इस्लाम को। अधूरे दीन पर अधूरी कामयाबी ऐसा नहीं है। 50% दीन पर अमल करेंगे तो चलो ठीक है 50% कामयाबी ले लो, ऐसा नहीं है। अधूरे दीन पर चलने पर 1% भी कामयाबी नहीं है। जो दीन के वाजिबी तकाजे हैं वो तो पूरा पूरा अदा करना हो, जो फराइज और वाजिबात के दर्जे के हैं उनमें तो कोई कटौती नहीं है, उसमें कोई कंप्रोमाइज। तो अल्लाह पाक ने कहा कि बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। अगर जो तुम ऊंट का गोश्त नहीं खाते हो लेकिन तुम्हारे अंदर सभी तौर से जो नागवारी है वो नागवारी भी नहीं चलेगी, तुम जिस्म के एतबार से इस्लाम में दाखिल हुए हो, सोच और ख्याल के एतबार से भी इस्लाम को कबूल करो। तुमने जब इस्लाम को कबूल किया है तुम्हारे जिस्म में, तो जहन को भी कबूल करना जरूरी है। जहन भी पूरा इस्लाम को कबूल करेगा कि रुकन को कबूल करे
और किसी किस्म की नागवारी ना आना चाहिए इस्लाम का, कि किसी हुक्म के ताल्लुक से कोई नागवारी नहीं आनी चाहिए। तो कल्ब कालीन के साथ मुसलमान हो जाओ, जिस्म जान के साथ मुसलमान हो जाओ, जिस्म भी तुम्हारा इस्लाम में दाखिल हो, जान भी इस्लाम में दाखिल हो। कालिब यानी जिस्म भी तुम्हारा इस्लाम में दाखिल हो, कल्ब भी तुम्हारा इस्लाम में दाखिल हो, बदन भी इस्लाम में दाखिल हो, जहन भी इस्लाम में दाखिल हो। इन्हें कि बदन मुसलमान और जहन कबूल कबूल करने को तैयार है, ये भी नहीं चलेगा। जहन के एतबार से भी इस्लाम के अहकाम को भरपूर बशाशत के साथ कबूल करना, ये मुतालबा है। इस आयत के दो मतलब है, तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, एक मतलब ये है, मतलब तुम्हारा जिस्म भी इस्लाम में दाखिल हो, तुम्हारा जहन भी इस्लाम में दाखिल हो, तुम्हारा जिस्म भी इस्लाम को कबूल करे और तुम्हारा जहन भी इस्लाम को कबूल करे, इस्लाम के एक एक जुज को कबूल करे, एक मतलब ये। और दूसरा मतलब यह है कि इस्लाम के सारे शोबे तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ पहला मतलब यह, और पूरा इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाए दूसरा मतलब ये। तो इस्लाम के कितने शोबे हैं? ईमानियात, इबादात, मुआशरत, मुआमलात और अखलाकियात। जितनी चीजों पर ईमान लाने को जिस तरीके से कहा गया है उतनी चीजों पर उस तरीके से ईमान लाओ, ये पहला शोबा है। जितनी इबादत तुम पर फर्ज की गई है जिस तरीके से फर्ज की गई है उनको उसके शराइत के साथ बजा लाओ, ये दूसरा शोबा है। तुम्हारे मामला लेन देन के वैसे हो जैसा कि अल्लाह के नबी ने करके बताया है या बोलकर बताया है, लेन देन के मामला खरीदो फरोख्त तो है, गिरवी के मामला है, लेन देन के मामला है, वो सब। मुआशरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बंदों के साथ जैसी जिंदगी गुजार कर गए हैं और जैसी जिंदगी गुजार कर गुजारने को बताया है वैसे गुजारो, तीसरा शोबा है। चौथा शोबा है, और अखलाक नबी वाले होना चाहिए। तो ये पांचों शोबे तुम्हारी जिंदगी में हो और तुम अपने जिस्म और ज्ञान के साथ इस्लाम के इन पांचों शोबे में घुसो, दाखिल हो जाओ। ये दो मतलब है कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और तुम्हारा पूरा वजूद इस्लाम में दाखिल हो, जिस्म भी, ज्ञान भी, सोच भी, फिक्र भी, ख्याल भी, हाथ भी, पैर भी, आजा भी, आंख भी, जबान भी, कान भी, हाँ ये जाहिरी जिस्म भी और अंदर का ख्याल भी मुसलमान होना चाहिए। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, कि अल्लाह के रंग में पूरी तरीके से रंग जाओ, कि तुम्हारा अंदरून भी लगा हुआ हो इस्लाम के रंग में और तुम्हारा जो है बाहर का हिस्सा भी, जो तुम्हारा जिस्म भी जाहिरी रंगा हुआ हो इस्लाम। मोहम्मद आसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह से बेहतर किसी का रंग नहीं हो सकता, इस्लाम से बेहतर किसी का रंग नहीं हो सकता। तो किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, मुतालबा है पूरा पूरा इस्लाम, किसी एक जुज इस्लाम का हाँ किसी एक जुज को भी इस्लाम के हम छोड़ नहीं सकते और जहन में उसका हल्कापन या उसकी कराहत नहीं ला सकते, एक चीज। और इस्लाम में आने के बाद रूए जमीन पर सारे बसने वाले मुसलमान एक लड़ी में जुड़ जाते हैं, मशरिक के इंतहा में रहने वाला हो, मगरिब के इंतहा में रहने वाला हो, शिमाल के इंतहा में रहने वाला हो, जुनूब के इंतहा में रहने वाला हो, किसी कौम का हो और किसी रंग का हो, किसी जबान का हो, किसी नस्ल का हो, इन सारे मुतफर्रिक इंसानों को, मुख्तलिफ इंसानों को जोड़ने वाली एक चीज है, वो है मजहब इस्लाम, ईमान। ईमान का रिश्ता सबसे कभी रिश्ता, हाँ इसी वजह से मौत पर सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन ईमान का रिश्ता बाकी रह जाएगा। अल्लाह फिल्ला हुए मैं लिबाद इनादू नील मुत्तकीन, तो कि दुनिया के सारे जो ताल्लुकात कल कयामत में खत्म हो जाएंगे, सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, सारे रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, वह तकत्तात बेहमुल अजबा हसन नसब सबब सब खत्म हो जाएगा जितने हैं, इल्लल मुत्तकीन।
मगर इस्लाम का ताल्लुक बाकी रहेगा, तकवे का ताल्लुक बाकी रहेगा, ईमान का ताल्लुक बाकी रहेगा, ईमान का रिश्ता चलेगा। तो ईमान और इस्लाम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक उम्मत बना दिया है। कान अन्नास उम्मत वाहिदा वही नहाजी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, एक उम्मत है। हम चाहे दुनिया के मशरिक के इंतहा में रहने वाले को ना पहचानते हो, लेकिन हम उसको गायबाना तौर से अपना भाई समझे। साहबा इकराम इसमें बहुत पक्के थे, हाँ इसमें बहुत पक्के थे। साहबा के वाकयात मिलते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को सारे रिश्तों को गालिब कर दिया था, सारे रिश्तों पर गालिब कर, इस्लाम के रिश्ते को, ईमान के रिश्ते सब पर गालिब कर दिया, ज़हनों में भी और अमल करके भी दिखला दिया उन्होंने, अमल करके भी दिखला दिया कि कोई रिश्ता नहीं चलेगा ईमान, जो आ रहे आएगा हम उसको छोड़ दें, ईमान और इस्लाम। तो ये भी एक मतलब है, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हाँ, और हर अहले इस्लाम को अपने ही बदन का एक हिस्सा समझो। अल मुस्लिमों ने जैसा नहीं हुआ है, सारे मुसलमान एक इमारत की तरह है, एक जिस्म की तरह है, कल बुनियाद जी। इस वक्त तो मौजूदा हालात जो बदल रहे हैं इसके तनाजुर में देखा जाए, हाँ कि इस वक्त तो हमारी सरजमीन पर एक मखसूस कम्युनिटी के ऊपर अरसाए हयात को तंग किया जा रहा है, जिंदगी को तंग किया जा रहा है, उनके मजहबी रहनुमाओं की इहालत की जा रही है, उनकी मजहबी इबादत गाहों को मिसमार किया जा रहा है, जो हालात है। लेकिन अब हालात थोड़ी नौयत बदल रहे हैं, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आज जो मेरा मौजूद था यही मौजूद था। इस वक्त तो जो इस मुल्क की बरसरे इक्तदार कौम है उसकी तरफ से उम्मत इस सरजमीन पर रहने वालों के लिए, हम लोगों के लिए तीन मुतालबे हैं। वो कहते हैं हमारा ये तीन मुतालबा पूरा कर दो हम तुमको आजाद छोड़ देंगे। तुम फिर नमाज पढ़ने में आजाद, हज करने में आजाद, जकात देने में आजाद, हज और ये हाँ अपनी मस्जिदें बनाने में आजाद, सब चीज में आजाद। ये तीन मुतालबा हमारा पूरा कर दो। इस सरजमीन की जो इस वक्त बरसरे इक्तदार जो कौम है उसके तर्जुमान के जरिए से बयान सामने आया है। इस वक्त तो जब क़यादत रसूल का मामला हुआ, पीछे कुछ जो लोगों ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद जो हालात बने इंटरनेशनल हालात, तो उन हालात को देखकर अब जो है ये लोग रुख बदलने पर मजबूर हो गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम न तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करेंगे, ना तुम्हारे मजहबी मकामात को छेड़ेंगे, तुम्हारी मस्जिदों को मुनहदिम करेंगे, तीन काम हमारा कर दो तो तुम हमारे साथ हमारे भाई बनकर रह सकते हो, हम नहीं छेड़ेंगे, तुम आजाद हो गए। लेकिन वो तीन काम बहुत मुश्किल है, वो सब इसके अंदर आ गए जो मैंने अब तक बयान किए, उससे कंप्रोमाइज नहीं हो सकते। पहला मुतालबा यह है कि तुम लोग अपने अलावा जितने मजहब है सबको गलत समझना छोड़ दो। जिधर तुम समझते हो कि तुम्हारा मजहब सही है वैसा इनका भी सही है, इनका भी सही है, इनका भी सही है, ये मुतालबा है। तुम चाहे अमल करो, तुम चाहे नमाज पढ़ो, सारे अकामत पर अमल करो, लेकिन जो तुम दूसरों को गलत समझते हो उसको गलत समझना छोड़ दो। और सबको एक इंसानियत की सतह से देखो। हाँ, एक तसव्वुर है उनका बरसों पुराना जामे इंसानियत का तसव्वुर, कि इंसानियत का रिश्ता सबको जमा करके रखता है और यही रिश्ता असल है। और हमारे यहां पर उससे आगे एक रिश्ता है, वो इंसानियत, इंसानियत से आगे इस्लामियत का रिश्ता है। हाँ, कहते उसको नहीं। और पूरी दुनिया को उम्मत वाहिदा समझना छोड़ दो, पूरी दुनिया
दुनिया के मुसलमानों को, हाँ वह एक उम्मत है, मशरिक में रहने वाला भी मगरिब में रहने वाला भी, इस्लाम ने इनको जोड़ दिया है और इस्लाम ने इनको उम्मत वाहिदा बना दिया है, वहदत उम्मत। ये तस्वीर छोड़ दो, अब बस समझो कि हम इस मुल्क के रहने वाले पहले हैं बाद में मुसलमान हैं। एक बात समझ लेना चाहिए कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत ये एक पसंदीदा चीज है इस्लाम में, अपने वतन से अपनी मिट्टी से मोहब्बत पसंदीदा चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त तो अपनी प्यारी सरजमीन जिसमें आपकी मुबारक पैदाइश हुई मक्का मुकर्रमा, 50 साल आप तकरीबन रहे हो वहां पर, 50-53 साल, तो आपको जिस वक्त हुक्म हुआ कि आप आपके मिशन में वहां के लोग रुकावट डाल रहे हैं, आप अपना दीन का काम नहीं कर सकते हैं, तो आप मदीना मुनव्वरा चले जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रात में आधी रात में हिजरत के लिए अपने साथी के साथ निकलने लगे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो आपको आपकी वतन की मोहब्बत खींच रही थी, आपकी तबीयत नहीं चाह रही थी। अल्लाह के नबी ने बड़े खुशबूदार जुमले इरशाद फरमाए थे वतन की मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत ये हमको नबी से मिली है, और फरमाया कि ऐ मक्का की सरजमीन तेरी मिट्टी कितनी उमदा है और तेरी सरजमीन कितनी खूबसूरत है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूं और किसी दूसरी जगह अपना वतन बनाऊं, लेकिन अगर तेरी कौम मुझे तेरे रहने वाले बाशिंदे मुझे निकलने पर मजबूर ना करते तो मैं तेरे अलावा किसी और जगह को अपना वतन नहीं बनाता। ये वतन की मोहब्बत नबी ने सिखाई है, मट्टी की मोहब्बत नबी ने सिखाई है, हाँ, लेकिन आपने छोड़ दिया है इस्लाम के खातिर, अपने मिशन की तबलीग के खातिर, अपने काम के खातिर, जिस मकसद के लिए भेजा है आपने, पता चला कि ये फिक्री चीज हमको, हाँ ये नबी की विरासत में मिली है, ये सरजमीन में पैदा हुए, हाँ उसके तकाजों को पूरा करना, उसकी हिफाजत की दुआ करना, अमन अमान की दुआ करना, उसकी तरक्की की दुआ करना, लेकिन पूरी पूरी दुनिया में बसने वाले अहले इस्लाम ये सब हमारे भाई है, एक उम्मत वाहिदा है, कुरान ने साफ कहा है उम्मत वाहिदा सारे मुसलमान, तो एक तकाजा तो ये है कि तुम सब मुसलमान सबको उम्मत वाहिदा समझना छोड़ दो, अपने आप को एक हिंदुस्तानी समझो, हिंदुस्तानी मुसलमान, हाँ पहले हिंदुस्तानी समझो बाद में मुसलमान, तो थोड़ी तरतीब बदल जा रही है, हाँ ये मुतालबा जो है इसमें थोड़ी तरतीब बदल दी है, ये दो मुतालबे हैं, और तीसरा मुतालबा तसव्वुर जिहाद को छोड़ दो। हाँ तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये कहते हैं कि तीन काम पूरे कर दो हम तुमको इस सरजमीन के अंदर तुम्हारे मजहब के लिए आजादी दे देंगे, ये अभी अभी ये तकाजा सामने आया है चंद महीनों पहले, जब एयानत रसूल के मौके पर रद्द अमल शदीद सामने आया पूरी दुनिया का, तो उस वक्त तो फिर जो है ये चीज सामने आई कि तुम ये तीन काम कर लो, और ये ऐसी तीन बुनियादें हैं कि अगर इसमें कमजोरी आ गई तो अल्लाह के यहां पर हमने गोया कि अल्लाह का मुतालबा नहीं पूरा कर रहे, अल्लाह का मुतालबा है उद गुल फिसल में काफा, कि हम रहेंगे वतन से मोहब्बत करेंगे, वतन के तकाजों को एक हद तक पूरा करेंगे, लेकिन इस्लाम पूरा पूरा अपनाएंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा यकीन मजहब इस्लाम पर, इन दीन इंदल इस्लाम, कि सच्चा मजहब तो सिर्फ इस्लाम है बस, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा जो रास्ते इख्तियार करेगा वो अल्लाह के यहां पर काबिल कबूल नहीं है, वो सीधा खसारे में ले आने वाला है, वो मैं अब तक गैर इस्लाम दीन, बेशुमार आयतें हैं, हाँ ये तुम्हारा दीन ही सच्चा दीन है, इसके अलावा जो है सब जहन्नम में ले जाने वाले रास्ते, जहन्नम में जाने के हजारों रास्ते, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो है वाद नहाजा सिराती मुस्तकीम फत्तबिउ, वो सिरात मुस्तकीम है, वो इस्लाम वाला रास्ता है, वो नबी वाला रास्ता है, हाँ
बाकी रास्ते सब जिसके इसके अलावा जितने भी है जितने भी खूबसूरत हो वो जहन्नम में ले जाने वाले। वला तत्तबिउ सुबुल, साफ अल्लाह का मुतालबा है। और रास्ते नजर आएंगे लेकिन चलना नहीं है, वरना तुम सिराते मुस्तकीम से भटक जाओगे। हाँ, ये अल्लाह की नसीहत है, ये नसीहत अल्लाह पाक इसलिए कर रहा है ताकि तुम बच कर चलो। ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, बच कर चलो तुम्हारे कदम डगमगा ना जाए। हाँ, तो जो मुतालबात कर रहे हैं करने दो, लेकिन तुम्हारा अपना रुख नहीं तब्दील होना चाहिए। हाँ, अंदर का यकीन हो कि इस्लामी सच्चा मदद है। इस यकीन में कमजोरी आएगी, हाँ ये इस्लाम तुम्हारा, ऐसे यकीन की कमजोरी के साथ में इस्लाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा अल्लाह की तरफ। इस्लाम पर चलना है तो उसी को अकेला सच्चा मतलब समझ कर चलना है। तुम भी सच्चे, हम भी सच्चे, ये नहीं चलेगा। सच्चा तो सिर्फ एक मतलब, वमन यब्तगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो कोई इस्लाम को छोड़कर दूसरा मतलब ये तलाश करेगा वो काबिल कबूल नहीं होगा आखिरत में, वो फिल आखिरत में अल-खासिरीन, आखिरत में सीधा जहन्नम में ले जाओगे। और मुसलमान सारे आपस में एक दूसरे के भाई हैं, और फरमाया कि ये इमारत की तरह है, इनकी भाईचारगी को इनके रिश्ते को जमीन की हुदूद ये तोड़ नहीं सकते, जमीन के बॉर्डर ये अलग नहीं कर सकते। हाँ, जिस तरह पानी में छड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है, इस तरीके से ये सारी चीजें, ये जमीन की हुदूद ये इस रिश्ते को अलायदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके लिए, हाँ अपनी नस्लों को इसके लिए मजबूत करना है, हम तो समझते हैं। हाँ, लेकिन जो इस वक्त जो लोग टीवी और सोशल मीडिया पर, हाँ जो न्यूज चैनलों की डेबिट को देखते हैं, मैंने जो बातें बताई है उसमें गौर करें, ये हाँ ये एक तरीके से उसी रूप पर ले जाना चाह रहे हैं। ये तीन बातें हैं ना, इन तीन बातों पर ले जाना चाह रहे। हाँ, ऐसे मुसलमान बहुत पसंद है जो सूर्य कुल बनकर चले। हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। हाँ, ऐसे लोगों को बड़ी इज्जत देते हैं, ऐसे लोगों को ये लाते हैं पैसे देते हैं और अपने चैनलों पर बैठाते हैं और ये डेबिट करते हैं। हाँ, और पूरा खुलासा देखेंगे तो एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है इसी अंदाज का कि ऐसा इस्लाम और ऐसा मुसलमान हमको पसंद है। हाँ, और दोस्तों ये ऐसी मजबूत बुनियादें हैं कि इसमें जरा भी कमजोरी अल्लाह पाक को गवारा नहीं है, ये जो बातें बताई गई। इसलिए दोस्तों ये इशारों में बहुत सारी बातें बताई गई, इसकी बड़ी तफसील है। हाँ, अपने आप को मजबूत बनाए, अपने यकीन को मजबूत बनाए कि कामयाबी वाला एक मजहब है, दुनिया के सारे मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ, और अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, हाँ ये कयामत तक ये जिम्मेदारी मुसलमानों का है। हाँ, अल्लाह पाक हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए और इस जमीन पर अल्लाह पाक इस्लाम और अहले इस्लाम की हिफाजत के इंतजाम फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।